बेहतरीन क्वेश्चन लेकर तुम लोग के सामने आए हैं। क्वेश्चन क्या, एक सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रोज बाय 9% इन द फर्स्ट आवर, मतलब पहले एक आवर में 9% बैक्टीरिया जो था वो इंक्रीज कर गया। ग्रोज मतलब होता है बढ़ना, वो अपने आबादी को बढ़ा लेता है 9%। उसके बाद क्या होता है कि एंड डिक्रीज बाय 10% इन सेकेंड आवर, जबकि सेकेंड आवर में वो फिर से वो 10% डिक्रीज कर लेता है, मतलब अपने अपनी संख्या को क्या कर लेता है, घटा लेता है, कम कर लेता है। एंड अगेन इंक्रीज बाय 11% थर्ड आवर में, फिर से वह 11% अपनी आबादी को बढ़ा लेता है। तो बोला जा रहा है क्या कि बताइए 3 घंटे के बाद बैक्टीरिया कितना रहा होगा, 3 घंटे बाद बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, जबकि यहां पे पता है कि पहले प्रिंसिपल पता है हमें कि पहले बैक्टीरिया कितना था, 21,000,000,10,000,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 
9% इंक्रीज किया था। तो इस क्वेश्चन को बनाने का और भी तरीका हो सकता है कि हम सबसे पहले फर्स्ट आवर के लिए 9% इंक्रीज करा दें। इंक्रीज करने पर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फिर हम लोग क्या कर देंगे, 10% डिक्रीज करा देंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फिर से हम लोग क्या करेंगे, 11% इंक्रीज करा देंगे। और ऐसा करने पे समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, तो समय से बचने के लिए हम लोग एक सिंपल सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कि हम लोगों के पास एक क्वेश्चन था जहां पर हमें पता था प्रिंसिपल यानी कि बैक्टीरिया का प्रेजेंट में क्या था बैक्टीरिया। इफ द प्रेजेंट काउंट ऑफ बैक्टीरिया इज इतना, प्रेजेंट में बैक्टीरिया का जो काउंट किया गया था वो बैक्टीरिया कितना था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा ही कुछ था, हमको लगा ऐसा ही कुछ था, फाना ये प्रेजेंट में था, प्रेजेंट में बैक्टीरिया ये था। जबकि बैक्टीरिया का रेट जो बदलना था वह तीन तरह से बदला था। रेट R1 इज इक्वल टू है 9%, क्या है ये, इंक्रीज के लिए बोला जा रहा है, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज किया था। जबकि रेट R2 इज इक्वल टू डिक्रीज किया था 10%, क्या किया था, डिक्रीज किया था, कम किया था अपने आप को, तो डिक्रीज किया था। जबकि R3 में तीसरा टाइम में वो क्या किया था कि 11% क्या किया था, इंक्रीज किया था, ठीक है, इंक्रीज किया था। तो ये फर्स्ट आवर के लिए था, फर्स्ट आवर के लिए था, या सेकेंड आवर के लिए था, जबकि यह बात थर्ड आवर के लिए था, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पहला आवर में वो 9% इंक्रीज किया था, दूसरा आवर में वो 10% डिक्रीज किया, और तीसरा आवर में वो क्या किया था, इंक्रीज किया था। अलग अलग निकालने पर समस्या बन जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, टफ, तो हम उसको करते हैं एकदम आसान वे में। हम लोगों के पास टाइम पता है, टाइम जो है वह कितना है, 3 आवर का है, तो 3 आवर्स का टाइम, सॉरी 3 आवर्स का टाइम है, 3 आवर्स का जो टाइम है, तो 3 आवर्स में यह लिया 1 आवर, यह लिया 1 आवर, और यह लिया 1 आवर। ये हम पहले भी बोल चुके हैं, ये बात लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग आवर में क्या हो रहा है, फर्स्ट आवर में 9% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सेकेंड आवर में, सेकेंड मतलब फर्स्ट आवर के बाद एक और आवर लगता है, उस आवर में क्या हो जाता है, 10% डिक्रीज करता है, और 1 घंटा बाद फिर से यानी थर्ड आवर में वो क्या करता है, 11% इंक्रीज करता है। बहुत सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, अमाउंट इज इक्वल टू लगाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट R1 बाय 100, जब बढ़ेगा तो प्लस, जब घटेगा तो माइनस लगाएंगे, और 1 माइनस R3 बाय माइनस नहीं प्लस, और टाइम जो है यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1 1 कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बार बार क्या लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ता है 1 का, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल बोले तो पहले बैक्टीरिया का जनसंख्या था 1 2 0 0 0 0 0 और 0 0, और ऐसा ही कुछ था क्या, पेयर, सही है ना,
इंटू वन प्लस रेट, पहले क्या किया था 9% इंक्रीज किया था 9/100 इंटू वन माइनस रेट, सेकेंड टाइम में 10% डिक्रीज किया था 10/100 इंटू वन प्लस 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 क्या करेंगे हम लोग 11/100 ठीक है। तो देखो यहां से अपने पास आ जाता है 1200000000 मल्टीप्लाई एलसीएम ले लो यहां से, चलो एक स्टेप बढ़ ही लेते हैं, तो आ जाता है 100 यहां से आ जाता है 100 प्लस 9 इंटू यहां से एलसीएम लिया आ गया 100 माइनस 10 इंटू 1 प्लस सॉरी 1 प्लस तो मोबाइल होता है ना बाय 100 यहां से कर लेते हैं हम लोग 100 प्लस 11 तो यहां से देख सकते हैं तुम लोग क्या रहा 1200000000 इंटू एड किए तो 109 बाय 100 मल्टीप्लाई 90 बाय 100 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 111/100 आ गया। देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अब हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग रिजल्ट तक पहुंचेंगे कि 1306692 और 00 आ जाएगा, ये अपना फाइनल आंसर होगा। जनरल लोग बनाता तो क्या करता, सबसे पहले जनरल लोग बनाता तो ये करता प्रिंसिपल अमाउंट इंटू वन प्लस रेट आर वन के जगह पर क्या पुट करता, जो पुट होता है वो करता बाय 100 और टाइम लेता वन ठीक है। सेकेंड टाइम में क्या करता अमाउंट इज इक्वल टू नया अमाउंट जो आता, फिर इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट जो अमाउंट आता ये यहां पे प्रिंसिपल कहला जाता ठीक है, और इंटू वन माइनस रेट बाय 100 आर टू और पावर में वन। अब देखो यहां जो अमाउंट नया अमाउंट निकल के आता तीसरा आवर के लिए, तो यहां का जो अमाउंट होता अब यहां के लिए क्या कहलाता प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता, फिर वन प्लस आर थ्री बाय 100 टू दी पावर एन, और ये तीन स्टेप में बनता है और क्वेश्चन काफी आसान होता लेकिन क्या होता कैलकुलेशन इसका जटिल हो जाता। तो इससे ज्यादा अच्छा हम मानते इसको कि एक ही लाइन में कर दिए इसका काम तमाम। तो चलो इसको कर लो तुम लोग नोट।